आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पीएम मोदी ने किया दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन। कहा, हमने काम चलाऊ उपाय नहीं, समस्याओं का स्थायी समाधान खोजा। सामना में शिवसेना का बीजेपी पर निशाना। कहा, बेरोजगारी बढ़ी, कश्मीर भी अशांत है, और लेकिन विश्व का मार्गदर्शन करने वाले पीएम मोदी। चेन्नई में 20 दिनों में हुई 18 हत्याएं। पूर्व सीएम पलानी स्वामी बोले, डीएम के राज में मर्डर सिटी में बदल रहा शहर। झारखंड से कांग्रेस को मिलेगी एक राज्यसभा सीट। सोनिया गांधी ने की थी हेमंत सोरेन से मुलाकात। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति ने नागपुर के मंदिर में हनुमान चालीसा का किया पाठ। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भी की पूजा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक, सड़कें ना पूजा के लिए और ना नमाज के लिए। समाजवादी पार्टी का आरोप, भाजपा शासन में किसान आत्महत्या करने को मजबूर। जवाब मिला, आपने बना कर रखे थे बदतर हालात। बहराइच में श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस की कंटेनर से जोरदार टक्कर, 6 की दर्दनाक मौत और 11 हुए घायल। सपा विधायकों ने कहा, सपने बेचने वाला है योगी सरकार का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने झुठलाए विपक्ष के आरोप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एचसीएल फाउंडेशन फ्लिपकार्ट के जरिए विदेश में भी होगी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन की बिक्री। यूक्रेन के गांवों में महीनों बाद भी घट नहीं रहा बाढ़ का पानी। रूसी सेना को रोकने के लिए तोड़ा गया था बांध। नेपाल ने लिपलेक लिम्पिया धुरा और काला पानी का मुद्दा फिर उठाया। ओली की राह पर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की फोन पर बातचीत, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नेता मरियम नवाज ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध। कहा, इमरान खान की राजनीति से दूरी बनाए रखें। अमेरिका के इशारे पर फिजी ने चीन को ललकारा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कूटनीतिक जंग हुई तेज। कुमार संगकारा ने कहा, इस सीजन में अपने तीनों रोल में असाधारण रहे संजू सैमसन। वुमेन्स टी20 चैलेंज 2022 के फाइनल मुकाबले में सुपर नोवाज बन चैंपियन, वेलोसिटी को मिली हार। दिनेश कार्तिक आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन के पाए गए दोषी, लगाई गई फटकार। बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, एक सीजन में इतनी गलतियां की जितनी पूरे करियर में नहीं। कोचिंग संभालते ही ब्रेंडन मैकुलम ने बताई अपनी योजना। कहा, अगले एशेज तक नंबर 1 टीम बनाएगा मेरा लक्ष्य। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के विवाद पर सोनू सूद का बड़ा बयान। कहा, बुरी हिंदी फिल्मों से बचता है साउथ सिनेमा। कांस फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने वाइट ट्रफल साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा। कैनेस 2022 के आखिरी दिन फिल्म ऑल
डेड बीट्स ने जीता अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की 231 तारीफ। अक्षय कुमार जल्द करेंगे फिल्म कैप्सूल गिल की शूटिंग शुरू, एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ आएंगे नजर। वरुण धवन और कियारा आडवाणी की फिल्म जुग जुग जियो का पहला गाना उठती 55 सॉन्ग में स्टार्स ने मचाया धमाल। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।